जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़वन के भोग लगे संत करे सेवा। लो जय गणेश भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव की जय, लो गंगा यमुना सरस्वती की जय, लो सभी देवी देवताओं की जय, लो हर हर महादेव की जय। अरे आप लोग भी हमारे भगवान जी के साथ आप लोग भी जय कर लीजिए। और गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे और अपने ही घर में संडे मना रहे होंगे, जिस तरह हम लोग आज संडे मना रहे हैं। और लेट हो गए हैं, सब देर तक सोए हैं, आज बच्चों की क्लास है नहीं, तो इस वजह से आज हम लोग भी थोड़ा लेट उठे और उसके बाद संडे के दिन थोड़ा सा हो जाता है, साफ सफाई, लाइट बाथ वगैरह सब साफ करना रहता है, तो वो सब काम हो जाते हैं। तो अभी मैं नहाकर आई हूँ, अभी लगभग बज रहे हैं 8:30-9:30, और अभी चलते हैं नाश्ता बनाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं साथ में। चलिए नाश्ते में क्या है वो सरप्राइज है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपको आगे वीडियो देखते रहिए, आपको आगे पता चलेगा। आज हम नाश्ते में जाओ, इसमें मैंने आलू लिए हैं लगभग 5 मीडियम साइज के, और मैंने प्याज लिया है और हींग थोड़ा सा, हरा धनिया और हरी मिर्च और जीरा, नमक और मिर्ची पाउडर, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ये चाट मसाला। इससे चाट मसाले से क्या है टेस्ट आ जाएगा अच्छा। और इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा ये जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा है ये, उसको मैंने पाउडर में बनाकर इस तरह से रखा है इसको, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम ये इस आलू को मैश कर लेंगे इस तरह से। चटनी, हरे धनिया की चटनी बनाने जा रही हूँ, उसमें मैंने टमाटर लिया है, हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा जीरा, नमक, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च। अब इसमें हम खूब सारा नींबू डाल देंगे, नींबू डालना बहुत जरूरी है, उसी से टेस्ट आता है। अब ये देखिए मैंने इस तरह से मैश कर लिया था इसको, और मैंने इतने भर भी लिए हैं, और ये देखिए इस तरह से भर के और इसको फिर इस तरह से सैंडविच कट में कट कर लेना है। बच्चे तो बोल रहे थे मम्मी ब्रेड पकौड़ा बनाओ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता ना, तो इस वजह से ही मैंने नहीं बनाया। और मैंने इनमें क्या किया ना, पहले से ही घी लगा के रख लिया, घी या रिफाइंड आप जो चाहें वो आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। मैंने पहले से ही घी लगा के रख लिया है ताकि आराम से कर सकूं। अब ये मैंने सैंडविच पलट दिए हैं और देखिए एक तरफ से हो गए हैं, दूसरी तरफ हो रहे हैं, और तब तक मैं चाय छान लेती हूँ और आप लोग भी आ जाइए। आप कहेंगे बस फोन में ही खिलाते रहो, आप हमारे महाराष्ट्र आइए, आपको हम सैंडविच जरूर खिलाएंगे। सैंडविच क्या है और भी डिशेज बना बना के खिलाएंगे, आपको खानी पड़ेंगी। तो इसी तरह से अभी बहुत सारा काम है, और कल कपड़े धोए थे ना, तो उनको अभी घर ही करना है। पूरा बंडल रखा है घर, पूरा ढेर सारा कपड़ा रखा है घर ही करने के लिए। और आज पता है आपको, हमें हॉस्पिटल जाना था, लेकिन हॉस्पिटल में कॉल किया तो पता चला कि आज डॉक्टर बैठेंगे नहीं, तो इस वजह से हो गया। लेकिन फिर भी घर में कुछ भी सब्जी नहीं है और कुछ सामान और भी लाना है, तो इस वजह से हमें आज मार्केट तो जाना ही पड़ेगा। देखते हैं हम जा पाते हैं या नहीं, तो आपको अपना मार्केट घुमाएंगे, अगर हम जाएंगे तो आपको हम अपना मार्केट जरूर घुमाएंगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं सैंडविच और चाय। सैंडविच तैयार, ये देखिए नाश्ता तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास नाश्ता चाय के साथ सुबह सुबह, एकदम चटनी बनी है ना, एकदम खूब सारा नींबू पड़ा है इसमें, बहुत टेस्टी लगता है नींबू, हरे धनिया की चटनी, टमाटर डालकर बनाई है मैंने, बहुत टेस्टी लगता है। सुबह संडे संडे हो ना, और कुछ स्पेशल नाश्ता मिल जाए तो एकदम मजा ही आ जाता है। आप लोग देख रहे हैं कितने सारे कपड़े हो गए घर ही करने के लिए, और कल घर ही करने का टाइम ही नहीं मिला, तो अभी मैंने कहा घर ही कर ले, और मार्केट तो जाना ही है, अभी जल्दी से घर ही कर ले कपड़े, रख दें क्योंकि फैले हुए समझ में नहीं आते, अच्छा नहीं लगता, और उसके बाद फिर जल्दी से मार्केट जाते हैं, मार्केट जाके आके फिर खाना भी बनाना है फटाफट, क्योंकि सब बच्चों के कपड़े अलग और सिवाय के अलग, और ऐसे रहता है ना, सबका अलग अलग करके छांट के रखना पड़ता है।
और मेरे यहाँ कपड़ा भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा कपड़ा हो जाता है। मुझे लगता है आप सबके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा क्योंकि बच्चे होते हैं तो भाई कपड़े तो होंगे ही होंगे, नो डाउट। मेरा ना सिवा करने नहीं देता, वो क्या करता है एक तरफ तुम भरी करो एक तरफ फेंक देगा, बस यही रहता है उसका। अब देख रहे हैं कितना सारा कपड़ा हो गया था घरी करने के लिए और सारे कपड़े घरी हो गए। अभी हम फटाफट कुर्ता चेंज करेंगे और ये लेगी मैंने पहन रखी है, बस कुर्ता चेंज करके फिर फटाफट मार्केट जाना। चलिए मार्केट चलते हैं, तैयार हो जाए थोड़ा सा, है ना। फिर चलिए चलते हैं बाजार, काफी गेट लगा लो जल्दी से, ठीक है। गेट लगा लो, माल नहीं हुआ, मैं लगा हुआ है, एक आदमी इसको काट लिया। रुपए बड़ा ले कौन सा लेना, मारी में लेनी, मारी दिख नहीं रहा। भारी खाने का ज़्यादा मन भी नहीं था क्योंकि सुबह हम लोगों ने सैंडविच लिया था नाश्ते में, तो ये बोले थोड़ा सा मूंग दाल की खिचड़ी बना लो। तो अभी हमारी खिचड़ी बन चुकी है और उस खिचड़ी में हमने डाला है सिंपल सा मूंग दाल, चिक्कल वाली होती है उसी से बनाई है, और उसमें मैंने डाला है नमक और थोड़ा सा हल्दी। अब उसी का हम तड़का ये दे रहे हैं, देखिए जीरा डाल दिया है मैंने, घी से तड़का दे रहे हैं, घी से बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे, ये मेरा जीरा हो रहा है, लगभग हो ही चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे हींग और हम इसमें तड़का दे देंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए खिचड़ी हमारी तैयार है, इतने सारे घी के साथ एकदम पौष्टिक लंच तैयार है। तो आ जाइए आप लोग भी खाने, गरम बहुत जोर से है और साथ में ही मट्ठा मैंने बनाया है, तो मट्ठे में मैंने डाला है थोड़ा सा बिल्कुल चीनी, आप चाहे तो डालें आप चाहे तो ना डालें। और उसी में मैंने सूखा पुदीना पाउडर मतलब जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक और काली मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर, इतना सब कुछ डाला है और इसको फेंट लिया है। और उसके बाद ये मट्ठा हम इसी खिचड़ी के साथ लेंगे। तो आइए आप भी लीजिए हमारे साथ, टेस्ट करिए और इन्जॉय करिए इसी तरह से। और चलिए फिर मिलते हैं, और सब्जियां हमारी आ चुकी हैं और सब्जियों को हमने सैनिटाइज करके रख दिया है और अभी बहुत सारा काम है शाम तक। तो चलिए आप भी अपना काम करिए और हम भी अपना काम करते हैं, इसी तरह मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और हाँ साथ में आप लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर